हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से हम एक बार रिमोट जॉब्स के बारे में बात करेंगे, जहां पे आपको एक अच्छी खासी हैंडसम सैलरी यहां पे मिलने वाली। सो प्लेटफॉर्म क्या है, यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे, सैलरी कितनी मिलने वाली, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हर कोई मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। उसके साथ साथ अगर आप एक मराठी लिसनर है तो एक अच्छी खासी टिप्स आपको चाहिए हेल्थ रिलेटेड, उसके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पे भी जाके आप उसी चैनल को भी आप जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की जो पर्टिकुलर वैकेंसी है उस प्लेटफॉर्म का नाम है टेस्टबुक, जो आपने जरूर सुना होगा, एक एजुटेक इंडस्ट्री है, स्टार्टअप एजुटेक इंडस्ट्री है, जो कि स्टूडेंट्स को जो भी इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है या फिर यूपीएससी होती है, पीएससी होती है, ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं उनका स्टूडेंट से प्रिपरेशन करके ये प्लेटफॉर्म लेता है, यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का जो भी बेस होता है वो स्टूडेंट से तैयार करके लेते हैं, उनका प्रिपरेशन स्टूडेंट से करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो जॉब रोल होने वाला है वो फ्रीलांस एसएम यानी कि फ्रीलांस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन हिंदी, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको हिंदी भी आती है तो भी आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे कि फ्रीलांस है, फ्रीलांस का मतलब ये होता है कि जब आपको टाइम मिलेगा, आपके पास स्पेयर टाइम होगा, तो स्पेयर टाइम में आप इनका जो काम है वो कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। जब आपके पास टाइम मिलेगा तो आप यहाँ पे जब काम कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई कौन कर सकता है दोस्तों, यहाँ पे आज कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो। सो अगर आप सिंपल 12th पास हो लेकिन आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हो। सो मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा 12th पास, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, यही क्राइटेरिया आपको यहाँ पे होने वाला है। सो अगर आप दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट होते तो आपको यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है। सो अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते तो सबसे पहले आपको एनालाइज एंड रिसर्च एग्जाम पैटर्न, मतलब जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वो किसी भी फील्ड से, आइदर इंजीनियरिंग हो, गवर्नमेंट हो, यूपीएससी, पीएससी, जो भी हो, जो एग्जाम का पैटर्न देखिए हर साल बदलता रहता है, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो वो एग्जामिन करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज हो सकता है, वो आपको यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा। देन रिमेन्स अपडेटेड टू द क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम, हर एग्जाम में कुछ अलग अलग मॉडिफाइड होकर क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो उस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है रिमेन्स, उसको आपको अपडेट रहना पड़ेगा, यानी कि कौन से एग्जाम अभी होने वाले हैं, कौन से एग्जाम अभी हो गए, उनके क्वेश्चंस किस तरह के आए, सब कुछ आपको रिमेन्स अपडेटेड यहाँ पे रहना पड़ेगा। देन डेवलप कंटेंट, डेवलप एंड क्रिएट द कंटेंट इजी टू अंडरस्टैंड, जो भी एग्जाम्स के रिलेटेड, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, उनको आपको डेवलप मतलब टाइम टू टाइम उसे अपडेट करना पड़ेगा। देन रिव्यू द क्यूरीज, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स की तरफ से क्यूरीज आती है उनको रिव्यू करना पड़ेगा, या फिर कोई जो पहले की एसएमई यानी सब्जेक्ट मैटर से एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने जो सॉल्यूशन क्रिएट किया है उसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा, उसमें कुछ बदलाव अगर आपको लगता है कि बदलाव करना है तो आपको उसको कुछ बदलाव भी उसमें करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए स्किल क्या चाहिए, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पे स्किल जरूरत है, तो वो स्किल आपके पास कौन से होने चाहिए, तो सबसे पहले स्ट्रांग पैशन फॉर एजुकेशन। या दोस्तों, एक एजुटेक इंडस्ट्री में जॉब है तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, एजुकेशन फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए। या दोस्तों, मैं आपको सजेशन एक देना चाहता हूं कि जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है वही फील्ड में आप काम कीजिएगा, अर्निंग आपकी आसानी से हो जाएगी। ठीक है, अगर आपकी किसी फील्ड में सॉरी इंटरेस्ट नहीं है और आप वहां पे काम करें तो आपका मन भी नहीं लगेगा, आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा और बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन सेल्फ ड्राइवर होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए एंड मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, यानी कि काम करने का एक इथोसिज्म आपके पास यहाँ पे होना चाहिए एंड उसके साथ साथ आपके पास एमएस ऑफिस का नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि एमएस वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह, क्योंकि आपको जो कंटेंट क्रिएट करने हो कंप्यूटर पे यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, सो यही सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए। आप यहाँ पे सैलरी की बात करें तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि अगर फ्रीलांस जॉब है तो आप जितना काम करेंगे उतना सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, वो आइदर आपके कंटेंट के हिसाब से मिलेगी या फिर जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। सो मिनिमम आप यहाँ पे एक घंटा भी स्पेंड करते हो तो आपको 300 से 500 रुपए से
ज्यादा भी अर्निंग यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने की लिंक मैंने मेरे हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आपको वहां पे आपका नेम, मेल आईडी, फोन नंबर एंड एक अच्छा खासा रिज्यूम वहां पे अपलोड कर देना है, सबमिट कर देना है। अगर आपको रिप्लाई आता है तो आप क्या आगे की प्रोसेस वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी, यही अपडेट थी। सो मेक श्योर आप यहाँ पे अप्लाई जरूर कीजिएगा।